असलम एंड वेलकम टू माय चैनल आज के लेक्चर में हम डिफरेंट स्किन रैशेस को डिस्कस करेंगे एंड वायरल स्किन रैशेस को भी डिस्कस करेंगे सो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक वी शुड नो समथिंग अबाउट रैश द वर्ड रैश मींस चेंज इन कलर एंड टेक्सचर ऑफ स्किन सो स्किन का कलर और टेक्सचर चेंज हो जाता है दैट यूजली कॉजेज एन आउटब्रेक ऑफ रेड पैचेज और बम्प्स ऑन द स्किन रैश कैन रेफर टू मैनी डिफरेंट स्किन कंडीशन और रैशेज होते किस वजह से हैं इट कैन बी कॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय बैक्टीरियल वायरल और फंगल इन्फेक्शन रैश इज डिफाइंड एज वाइड स्प्रेड इरेप्शन ऑफ स्किन रीजन एंड इट इज वेरी ब्रॉड मेडिकल टर्म रैशेज के अपेयरेंस वेरी करते हैं दे केन वेरी इन अपेयरेंस ग्रेटली एंड देयर आर मैनी पोटेंशियल कॉजेस डिफरेंट टाइप्स के रैशेज होते हैं सो so हर रैश को क्योर करने के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट दी जाती है रैशेज तो या तो लोकलाइज्ड होंगे या इट कैन कवर अ लार्ज एरिया इट कैन बी लोकल टू जस्ट वन स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी और इट कैन कवर अ लार्ज एरिया डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं ड्राई हो सकते हैं मॉइस्ट हो सकते हैं बम्पी स्मूथ क्रैक्ड और ब्लिस्टर फॉर्म के हो सकते हैं इट अफेक्ट मिलियन ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड वायरल रैश वायरल रैश क्या होते हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन की, की वजह से होते हैं जो रैश उनको कहते हैं वायरल रैश इट कैन इच स्टिंग बर्न और हर्ट अपेयरेंस इनकी डिफरेंट हो सकती है या तो ये स्मॉल बर्म्स बनाते हैं या वेल्ट बनाते हैं एंड इट माइट डिवेलप ओनली ऑन वन पार्ट ऑफ द बॉडी या तो ये लोकलाइज्ड फॉर्म में होते हैं या इट बिकम वाइड स्प्रेड हाउ टू आइडेंटिफाई आ वायरल रैश सो वायरल रैशेज को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है दे माइट फील इची और पेनफुल टू टच और सिम्टम्स क्या क्या है इसके फीवर चिल्स बॉडी एक फटीक Other signs and symptoms: blister formation, scaling, skin ulceration, and some people may experience skin discoloration, itching, and bumps on the skin. Common skin rashes: eczema herpeticum, granuloma annular, lichen planus, periasis rosea, contact dermatitis, heat rash, and swimmers' itch. हम वन बाई वन इनको डिस्कस करते हैं सबसे पहले है एक्जिमा हरपेटिकम एक्जिमा हर्पैटिकम की अपेयरेंस इस टाइप की होती है एक्जिमा हर्पैटिकम इज बैड स्किन इन्फेक्शन दैट अकर्ज इन पीपल हु ऑलरेडी हैव एक्जिमा और यह हर्पीज वायरस की वजह से होता है हर्पीज वायरस क्या होता है इट विल इन्वेड द स्किन एंड कॉजेज पेनफुल रेड स्पॉट्स द रैश कैन स्प्रेड वेरी क्विकली ओवर द बॉडी एंड नीड्स टू बी ट्रीट इट क्विकली हु गेट्स एक्जिमा हैपेटिकम एक्जा हेपेटिकम कैन हैपन एट एनी एज लेकिन मोस्ट कॉमन किन में है यंग चिल्ड्रन में जिनको ऑलरेडी एग्जिमा हुआ हो इट इज मोस्ट कॉमन इन यंग चिल्ड्रन हु ऑलरेडी हैव एक्जिमा अगर आपको पहले से एग्जिमा की इन्फेक्शन हुई हुई है तो उसकी वजह से स्किन में ब्रेक्स प्रोड्यूस होंगे और उन ब्रेक्स के थ्रू वायरसेस एंटर हो जाएंगे स्किन में द एक्जिमा कॉजिज ब्रेक्स इन द स्किन विच अलाउज द वायरस टू एंटर इन द स्किन या अदर इश्यूज भी हो सकते हैं स्किन ब्रेक्स के बर्न्स की वजह से स्किन ब्रेक है या अदर स्किन कंडीशन की वजह से स्किन में ब्रेक्स प्रोड्यूस है सो so, उन ब्रेक्स के थ्रू वायरसेस स्किन में एंटर हो जाएंगे सिम्टम्स क्या है एक्जिमा हर्पेटिकम के इट यूजली अपेयर्स ऑन द फेस नेक या हैंड्स हैंड्स के ऊपर होता है एक्जिमा हर्पेटिकम इट कैन टेक्स अप टू टू वीक्स फॉर सिम्टम्स टू अपेयर आफ्टर द फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस सो वायरसेस की बॉडी में एंट्री के बाद टू वीक्स बाद वो अपने सिम्टम्स शो करता है अदर सिम्टम्स क्या हैं? क्लस्टर ऑफ स्मॉल ब्लिस्टर्स दैट आर इची एंड पेनफुल ब्लिस्टर्स दैट लुक रेड पर्पल और रेड और ब्लैक अदर सिम्टम्स क्या क्या हैं? हाई फेवर एंड चिल, स्वेल एंड लिम्फ्लैंड नॉट फीलिंग वेल ओवरऑल इसके मेथड ऑफ डायग्नोसिस क्या है एक्जेमा हेपेटिकम जो है इट इज वेरी सीरियस एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू सी योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ यू एक्सपीरियंस सिम्टम्स डायग्नोसिस कैसे की जा सकती है दे मे टेक अ कल्चर फ्रॉम इन्फेक्टेड एरिया ऑफ स्किन टू कन्फर्म दैट इट इज एक्जेमा हेपेटिकम इन्फेक्शन ट्रीटमेंट इसकी क्या है क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है इसलिए एंटी वायरल मेडिकेशन दी जाती है लेकिन अगर इसके साथ कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है तो उसके लिए द डॉक्टर में प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स सेकेंड जो स्किन रैश है वो है ग्रेनुलोमानुलेयर इसकी अपेयरेंस इस टाइप की होती है सन कन सेंटर होता है इट इज अ बेनाइंग स्किन कंडीशन दैट इज क्रिकराइज बाय स्मॉल ड्रेज बर्म्स कहाँ कहाँ क्या होता है दैट फॉर्म्स आर रिंग विद नॉर्मल और सन सेंटर सो इस तरह की इसकी अपेयरेंस होती है ग्रेनुलोमानोलेयर की द कॉज ऑफ ग्रेनुलोमानुलेर इज अनोन एंड इट इज फाउंड इन पेशेंट्स ऑफ ऑल एजेस द कंडीशन टेंट्स टू बी सीन इन अदरवाइज हेल्थी पीपल हेल्थी पीपल में भी ये रैशिज अपेयर हो सकते हैं समटाइम्स इट इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज और थाईरोड डिज सिम्टिमटम्स क्या क्या है इसकी येलोइ और स्किन कलर टू रेड फ्रेमड थिकेंड बर्म्स वन और सेवरल रिंग्स ऑफ बर्म्स कहाँ कहाँ बनते हैं फीट पे लेग्स पे या हैंड्स पे इरप्शन जो है इट कैन बी कन्फाइंड टू वन एरिया या इट मे स्प्रेड टू मल्टीपल एरिया प्रेजेंट फॉर इयर्स डायग्नोसिस मेथड ऑफ डायग्नोसिस इसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है डायग्नोसिस इज यूजली कंफर्म्ड विद स्किन बायोप्सी स्किन बायोप्सी में क्या होता है स्मॉल सैंपल ऑफ टिश्यू रिमूव किया जाता है और इसको एग्जामिन किया जाता है अंडर द माइक्रोस्कोप ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में क्या होता है जो बम्स हैं उनको डिसअपेयर करने के लिए डिफरेंट स्टेराइड क्रीम दी जाती हैं इन सम केसेस स्टेराइड क्रीम्स और आइंटमेंट आर यूज टू हेल्प द बम्स डिसअपेयर और समटाइम्स क्या होता है कि डॉक्टर में डिसाइड टू फ्रीज विद लिक्विड नाइट्रोजन और इंजेक्ट स्टीराइड डायरेक्टली इनटू द रिंग्स ऑफ बम्स यूवी लाइट थेरेपी या ओरल ड्रग्स भी यूज की जा सकती है इन फेयर केसेस थर्ड वन इज लाइक प्लेनस लाइकन का मतलब होता है ट्री मॉस और प्लेनस इज फ्लैट सो इट इज फ्लैट टॉप स्किन रैश एंड इट लुक्स लाइक अ ट्री मॉस लाइकन की अपेयरेंस इस तरह होती है स्किन के ऊपर लाइकन प्लेनेस इज अ कंडीशन दैट कैन कॉज स्वेलिंग एंड इरिटेशन इन द स्किन हेयर नेल्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन पे लाइकन प्लेनेस की अपेयरेंस किस तरह होती है ऑन द स्किन लाइकन प्लेनेस यूजली अपेयर्स एज पर्पलिश इची फ्लैट बर्म्स डेट डिवेलप ओवर सेवरल वीक्स सो इनकी अपेयरेंस स्किन के ऊपर इस तरह की होती है इन द माउथ एंड अदर एरिया कवर्ड बायूकस मेम्बरेन

सच चेज हेपेटाइटिस बी या सी वायरसिस की वजह से ये लाइकन प्लानिस होता है या कुछ मेडिकेशंस की वजह से मेडिकेशन जो यूज की जाती हैं टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज एंड आर्थ्राइटिस उन मेडिसन्स की वजह से भी ये एलर्जी हो सकती है स्किन रैश हो सकते हैं वट आर द सिमटम्स ऑफ लाइकन प्लानिस सिम्टम्स इसके हैं पर्पलिश फ्लैट बर्म्स मोस्ट ऑफन ऑन द इनर फॉर आर्म रेस्ट एंड एंकल इचिंग ब्लिस्टर्स व्हाइट पैचेस पेनफुल सॉर्स हेयर लॉस चेंज इन स्कैल्प कलर नेल डैमेज और लॉस डायग्नोसिस मेथड ऑफ डायग्नोसिस इसकी क्या है स्किन बायोप्सी है स्किन बायोप्सी में क्या होता है स्मॉल बिट ऑफ स्किन इज टेकन फ्रॉम द इफेक्टेड एरिया और उसको एग्जामिन किया जाता है अंडर द माइक्रोस्कोप ट्रीटमेंट लाइक प्लेनेस कैनॉट बी क्योर्ड इट्स सिम्टम्स कैन बी ट्रीटेड विद एंटी इच प्रोडक्ट एंटी हिस्टामिन्स दी जाती हैं टू क्योर दिस स्किन रैश समटाइम्स क्या होता है इट इज ट्रीटेड विद लाइट थेरेपी टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट विच ट्रीटमेंट इज राइट फॉर यू नेक्स्ट जो स्किन रैश हमारे पास है वो है पेटी रियासेज रोजिया स्किन के ऊपर इसकी अपेयरेंस इस टाइप की होती है इट इज अमन स्किन रैश दैट यूजली इज माइल्ड और इसमें क्या होता है दैट कंडीशन ऑफ बिगिंस विद लार्ज स्केली पिंक पैच ऑफ स्किन ऑन द चेस्ट और द बैक सो इस तरह के पैचेस बनते हैं पिंक पैचेस या तो वो चेस्ट पे बनते हैं या एब्डोमेन पे बनते हैं पिटिरियासिस रोजिया में इस तरह के पैचेस बनते हैं स्किन के ऊपर जो नंबर्स हैं स्पॉट्स के दे कैन वेरी द नंबर एंड साइजेस ऑफ स्पॉट्स कैन वेरी वट कॉज इज रोजिया कॉज ऑफ पेटरियासिज रोजिया इज नॉट नोन लेकिन कुछ स्टडीज ये सजेस्ट करती है कुछ एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि ये जो स्किन रैश है इट इज कॉज्ड बाई वायरस वट आर दिमटम्स ऑफ दिस स्किन सिमटम्स क्या क्या है स्लाइटली रेस्ड स्केली पैच और ये जो पैचे हैं फ्यू डेज के बाद फ्यू वीक्स के बाद ये स्पॉट्स बन जाते हैं स्मॉल स्केली स्पॉट्स बन जाते हैं अक्रॉस यूर बैक चेस्ट और एब और वो रिजेंबल करते हैं आप पाइन ट्री पेट्रेट सो so, इस पैटर्न में ये बन जाते हैं या तो बैक पे या चेस्ट पे या एबडोम पे हाउ इज पेटेरियाज रोजिया डायग्नोस्ड सो मेथड ऑफ डायग्नोसिस क्या है ही और शी में ऑर्डर ब्लड टेस्ट स्क्रैप द स्किन और यह स्किन बायोप्सी के थ्रू भी ये डायग्नोज हो सकती है ये स्किन रैश ट्रीटमेंट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है ट्रीटमेंट में नॉट बी नेसेसरी माइल्ड और सीवियर केसेज में ट्रीटमेंट नेसेसरी नहीं है हिस्टाम दी जाती स्किन इसकिन में या ये जो सोर्स हैं, दे मे हील फास्टर विद लाइट और यू वी लाइट लेकिन टू मच सन एक्सपोज शुड बी अवॉइडेड हाउ एवर इन मोस्ट केसेज पीटीज रोजिया गो अवे विद इन सिक्स टू ट्वेल्व वीक्स नेक्स्ट जो स्किन रैश हमारे पास है वो है कॉन्टेक्ट डाइटिस स्किन पेज की अपेयरेंस इस टाइप की होती है इट इज अ टाइप ऑफ एक्जिमा, अ टाइप ऑफ एक्जिमा कॉन्टेक्ट गर्माटाइटिस इज ट्रिगर्ड बाय फिजिकली टचिंग समथिंग दैट इरिटेट्स और कॉजेज एन एलर्जिक रिएक्शन किसी भी प्रोडक्ट की वजह से कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए तो उसकी वजह से कॉन्टेक्ट गर्माटाइटिस हो सकता है कोई आपने न्यू कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज किया है उसकी वजह से इरीटेशन हो जाए अनलाइक मेनी फॉर्म्स ऑफ एक्जीमा हाउ एवर कॉन्टेट गर्माटाइटिस इज हाईली क्यूरेबल और जो एलर्जिक कॉन्टेक्ट ग्रमाटाइटिस है इट इज कॉज्ड बाई रिएक्शन टू आर सब्सटेंस इवन मिनरल सच एज गोल्ड कॉजे क्या है वट आर द कॉजेज ऑफ कॉन्टेट ड्रोटाइटिस इट इज अ रैश स्किन रैश है एंड इट इज कॉज्ड बाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और एनर्जिक रिएक्शन टू सर्टन सब्सटेंस सिम्टम्स इसके सिम्टम्स क्या हैं इंटेंस इचिंग हो सकती है फॉर्मेशन होती है और जो कॉजेज हैं कॉमन कॉजेज कॉन्टेक्ट ड्रोमाटाइटिस की क्या क्या हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की वजह से ये रैश rash, रैशेज uh, हो सकते हैं सचेज हेयर डाइस की वजह से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की वजह से स्किन केयर प्रोडक्ट्स की वजह से या इवन नेल पॉलिश की वजह से भी ये रैशेज हो सकते हैं ट्रीटमेंट क्या है अवॉइड वर्ड्स मेकिंग यू ब्रेकआउट उन प्रोडक्ट्स से दूर रहें जिनकी वजह से आपको ये कॉन्टेक्ट डेटाइटिस हो रहा है सचेज न्यू फाउंडेशन आई क्रीम इन प्रोडक्ट्स से दूर रहें अदर जो ट्रिगर्स हो सकते हैं सॉल्वेंट क्लीनिंग फ्लूड्स या डिटर्जेंट्स इनके इनसे भी दूर रहें जिससे आपको एलर्जिक रिएक्शन है नेक्स्ट जो स्किन रैश हमारे पास है वो है हीट रैश स्किन के ऊपर इसकी अपीयरेंस इस टाइप की होती है इसमें क्या होता है हीट रैश में पोर्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं जिसकी वजह से स्वेट स्केप नहीं हो सकता हीट रैश डिवेलप वेन योर पोर्स बिकम ब्लॉक एंड स्वेट कांट स्केप इट लुक्स लाइक टाइनी रेज वाइट और रेड ब्लिस्टर सो इस तरह की इसकी अपेयरेंस होती है स्किन के ऊपर वट कॉज इज हीट रैश जो ब्लॉक स्वेट लैंड है दे आर द मेन कॉज ऑफ हीट रैश डग आपकी ब्लॉक हो जाती हैं जब स्वेट कैन नॉट स्केप अब जब स्वेट स्केप नहीं होता तो स्वेट ड्रॉपलेट्स जो होते हैं दे आर ट्रैप्ड अंडर द स्किन कॉजिंग इन्फ्लेमेशन और रैश सो इस तरह स्वेट जो है वो अंडर द स्किन स्वेट ड्रॉपलेट्स ये इस तरह अंडर द स्किन ये ट्रैप्ड हो जाते हैं ब्लॉक स्वेट लैंड जो है इट इज कॉज बाय डिफरेंट फैक्टर्स वेयरिंग टू मच क्लोथ्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है एज हॉट इन्वायरमेंट हो या बेबीजेटर फीवर और स्वेट दैट आर ट्रैप्ड अंडर द स्किन द फ्लूड मे बी क्लियर और मिल्की वाइट बम्प्स जो हैं दे आर ओनली फ्यू मिलीमीटर वाइड रैश में ऑल्सो अपियर रेड ऑन योर बेबी स्किन डिफरेंट एरियाज पे ये बन सकते हैं रैश सच एज फोर हेड नेक आर्म पेट शोल्डर चेस्ट ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट क्या है डो नॉट ओवर ड्रेस योर चाइल्ड लूज फिटिंग क्लोथ पहनाए या वो क्रीम्स न लगाए जिनकी वजह से ये पोर्स ब्लॉक होते हैं